गिव एज कॉशियल एज कैजुअल लुक में अपनी ब्लैक और टी शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट में सुपर डुपर चिक लुक देती हुई नजर आई। लेकिन ये क्लिनिक के बाहर क्या कर रही थी? आपको बताएंगे कैटरीना कैफ की तरफ से मिस्ट्री। इस टाइम पर फैंस दोबारा से इनकी प्रेगनेंसी के रूमर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके हैं कि फाइनली कैटरीना कैफ को गायनी के क्लिनिक के बाहर देखा गया। और ऐसा कैसे हो जाता है कि कभी कहीं पर भी अपीयरेंस देती हैं, फैंस को झटपट से पता चल जाता है। और यहीं पर गायनी के क्लिनिक के बाहर कैटरीना कैफ की अपीयरेंस ने फैंस के दिल में क्यूरियोसिटी डाल दी है, यानी कि फैंस इनकी तरफ से आने वाली गुड न्यूज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस का कहना है कि हमें कैटरीना कैफ की तरह इनके बेबी को देखने का भी उतना ही शौक है। इस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने शादी की, इस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने हस्बैंड विकी कौशल को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमें विकी कौशल वाकई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड लगे। इस टाइम पर अगर बात की जाए तो सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जोड़ियों में से कैटरीना और विकी हैं। या इनके फैंस इन दोनों की जोड़ी को इनकी मोहब्बत, प्यार, लगन की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि कैटरीना कैफ इस टाइम पर जहाँ पर क्लिनिक के बाहर नजर आई, फैंस का कहना था कि अब ये मिस्ट्री है कि अपना बुखार या रेगुलर चेकअप के लिए आई थी या फिर किसी गायनी के लिए। जबकि इनके फ्रेंड से पूछा गया इनकी प्रेगनेंसी न्यूज बारे में, तो उनका कहना था कि कैटरीना कैफ ने ये शेयर किया है कि मैं सारी शूटिंग्स को खत्म करके, जो कि इस टाइम पर मैरी क्रिसमस इनकी शूटिंग चल रही है मूवी की, उसको खत्म करके ही अपने बच्चे को प्लान करूंगी, बट 2024 में, यानी कि 2024 में मेरा बेबी जरूर आ जाएगा। हेलो व्यूअर्स, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कैटरीना विकी के बेबी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।